हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे इंडिया में इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में। इंडिया में स्पेशली दिल्ली में काफ़ी टाइम तक मुगल्स ने रूल किया, लेकिन मुगल्स के रूल करने से पहले भी दिल्ली में कुछ छोटी छोटी सल्तनत थी जिन्होंने दिल्ली पर रूल किया। बेसिकली ये 5 सल्तनत थी जिन्होंने दिल्ली पर रूल किया। तो इन सल्तनत्स में कौन से मोन्यूमेंट्स डेवलप हुए, उन मॉन्यूमेंट्स का क्या आर्किटेक्चर था, तो आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। बाकी के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पॉइंट्स का टाइम स्टैम्प दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, तो उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प में जाकर उस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट के बारे में आगे वीडियो में देख सकते हैं। तो दिल्ली में जो सल्तनत थी, बेसिकली 5 मेजर सल्तनत थी, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ये 5 सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक इन्होंने दिल्ली पर रूल किया। तो इसमें से जो सैयद डायनेस्टी थी, ये ज़्यादा इतनी पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रही थी, तो इनके टाइम पीरियड में कुछ ज़्यादा चीज़ें डेवलप हो नहीं पाई थी। तो आज की इस वीडियो में ये बेसिकली ये 4 डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके बीच में इनके टाइम पीरियड में कौन कौन से जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे वो डेवलप हुए। तो सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी। ये ऑर्डर में है स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो इनके मैप्स हैं, ये ममलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी कहते हैं। एक्चुअली ममलुक डायनेस्टी ही है ये, इसको हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं क्योंकि इसका जो रूलर था वो एक स्लेव था, मोहम्मद गोरी का स्लेव था, उसने बाद में रूल किया फिर दिल्ली पर। तो ये मोहम्मद गोरी के बाद जो स्लेव डायनेस्टी वो इतने टाइम पीरियड तक रही थी उसके इंडिया में, ये उनका मैप, ये सभी डायनेस्टीज़ का मैप है कि कैसे तुगलक डायनेस्टी सबसे ज़्यादा बड़ी डायनेस्टी रही थी इन 5 डायनेस्टी में, तो इन्होंने कैसे कैसे रूल किया। तो एक एक करके इन सभी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बीच में जो मेन मेन मॉन्यूमेंट्स थे वो क्या, उनका क्या आर्किटेक्चर है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है स्लेव डायनेस्टी, ये 1206 से लेकर 1290 तक रही थी स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी थी उसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये फर्स्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का। ये बेसिकली एक मोहम्मद गोरी का स्लेव था, फिर मोहम्मद गोरी की बाद में जब पोलो खेलते हुए डेथ हुई थी तब बाद में ये खुद एक रूलर बन गया और इसने दिल्ली पर रूल किया। इसने पृथ्वीराज चौहान की किला राय पतोड़ा सिटी पर अटैक किया और किला राय पतोड़ा का जो किला था उसको इन्वेड करके उसको कैप्चर कर लिया, और उसके बाद में अपनी टेरिटरी की कैपिटल इसको बनाया किला राय पतोड़ा के बाद। तो इसका पहला जो सबसे मेन कंसर्न था वो यह था कि जब इंडिया में पहला इस्लामिक रूलर रूल कर रहा है तो इसको इस्लाम को स्प्रेड करना है इंडिया में। तो इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए इसने डिसाइड किया कि एक मॉस्क बनाया जाए, वो मॉस्क था कुवत अल इस्लाम। कुवत अल इस्लाम नाम का एक मॉस्क इसने बनाया विद इन द फोर्टिफाइड सिटी। ये फोर्टिफाइड सिटी किला राय पितोड़ा की थी। किला राय पितोड़ा के अंदर इसने कुवत अल इस्लाम मॉस्क बनाया, जो कि इंडिया में किसी भी इस्लामिक रूलर का बनाया हुआ सबसे पहला स्ट्रक्चर था और सबसे पहला मॉस्क था, वो कुवत अल इस्लाम था। ये इंडियन सॉइल पे बनाया गया सबसे पहला इस्लामिक स्ट्रक्चर था। कुवत अल इस्लाम के बनने के 8 साल बाद उसने डिसाइड किया, उसको ऐसा फील हुआ कि ये मॉस्क है इसको वेस्टर्न साइड में थोड़ी सी ज़्यादा एम्फेसिस करनी चाहिए, तो इसलिए उसने वेस्टर्न साइड में, मॉस्क के वेस्टर्न साइड में एक बहुत ही सुंदर आर्चिस की एक स्क्रीन बनवाई वहाँ पर। तो क्या है, ये है कुवत अल इस्लाम। कुवत अल इस्लाम ये कुतुब कॉम्प्लेक्स का प्लान है, और ये जो है ये येलो वाला बॉक्स ये है वर्शिप हॉल, यानी कि कुवत अल इस्लाम। जो कुवत अल इस्लाम है इसके जगह पर, जिस जगह पर ये डेवलप किया गया था उस जगह पे मॉस्क से पहले वहाँ पर 27
हिंदू और जैन टेम्पल्स थे, तो हिंदू और जैन टेम्पल को डिमोलिश करके उनकी जगह पर ये कुवैत उल इस्लाम डेवलप किया। तो कुवैत उल इस्लाम का जो कुछ मेजरमेंट है, ये 217 फीट इन लेंथ एंड 150 फीट इन विड्थ, यानी कि 66 मीटर बाय 46 मीटर। बिल्ड अराउंड अ पेव कोर्ट यार्ड, इसके साइड में ये कोर्ट यार्ड है। और इन्होंने जो कॉलम्स यूज करे थे वो कॉलम्स हिंदू टेम्पल के कॉलम हैं, जो इस मॉस्क में जो कॉलम लगे हुए हैं वो हिंदू टेम्पल्स के कॉलम हैं। ये पूरा कंस्ट्रक्शन है रबल मैसनरी पर, और इसमें जो मेन मटेरियल है वो यही है, रेड सैंडस्टोन। एक्चुअली सभी इस्लामिक स्ट्रक्चर में, सभी तो नहीं लेकिन मेजोरिटी ऑफ द इस्लामिक स्ट्रक्चर में, जो दिल्ली के अराउंड जितने भी इस्लामिक स्ट्रक्चर बने हैं उनमें जो मेन मटेरियल कंपोनेंट ये रेड सैंडस्टोन है, रेड सैंडस्टोन है। और एक और चीज़ जो बहुत कॉमन देखने को मिलेगी सभी इस्लामिक स्ट्रक्चर में वो ये है कि इसको कार्विंग के साथ डेकोरेट किया जाता था, और वो कार्विंग्स हुआ करती थी जो इस्लाम की इस्लाम्स में अरबिक लैंग्वेज में जिनकी जो इंस्क्रिप्शंस रहती हैं, लैंग्वेजेस की इंस्क्रिप्शन या कुरान की आयत का इंस्क्रिप्शंस, ये सारे अपने मोन्यूमेंट्स में करवाया करते थे। तो ये इस टाइप का ये कुवैत उल इस्लाम मॉस्क है, जो कि इसका मेन इंपॉर्टेंस ये है कि ये इंडियन सॉइल पे बना हुआ सबसे पहला इस्लामिक स्ट्रक्चर है। इसके फ्रंट में यानी वेस्टर्न साइड में 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर मॉस्क के बनने के 8 साल बाद, यहाँ पर वेस्टर्न साइड में ये एक स्क्रीन ऑफ आर्चेस डेवलप करवाई बाद में, क्योंकि वेस्टर्न साइड में, अच्छा बेसिकली क्या होता है कि जितने भी इस्लामिक स्ट्रक्चर हैं, मेजोरिटी ऑफ द इस्लामिक स्ट्रक्चर्स, मॉस्क या फिर कोई और स्ट्रक्चर, उनका जो मेन एंट्रेंस होता है वो वेस्टर्न साइड में होता है, या फिर एंट्रेंस ना होके जो मेन एम्फेसाइज करते हैं यानी जो बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं वो एक साइड को, वो मेजोरिटी ऑफ द केसेस इन इस्लामिक स्ट्रक्चर वो वेस्टर्न साइड में ही होता है, क्योंकि इंडिया के वेस्ट में ही काबा पड़ता है। तो काबा मक्का मदीना वाला, तो इस्लामिक स्ट्रक्चर वो सारा डेडिकेट करते हैं अपने मक्का मदीना डायरेक्शन की तरफ। वो जब वर्शिप करते हैं तो उनका फेस भी वेस्टर्न साइड में होता है। तो ये सारी चीज़ों को वो पॉइंट रखते हुए वेस्टर्न साइड की तरफ अपनी बिल्डिंग्स को, ज़्यादातर बिल्डिंग जितने भी इस्लामिक हैं वो वेस्टर्न साइड में ही डेकोरेट मिलेंगी। तो इसीलिए इस मॉस्क के वेस्टर्न साइड में भी एक आर्चेज की स्क्रीन बाद में कंस्ट्रक्ट करवाई गई, ताकि पूरे एक मॉस्क में एक अच्छा सा एम्फेसाइज होकर आए, जो और ओवरऑल जो ब्यूटी है, जो डेकोरेशन है पूरे मॉस्क का बहुत अच्छा बने। तो इसीलिए बाद में इसको बनवाया गया। ये बेसिकली कंपाउंड है कुवैत उल इस्लाम मॉस्क का। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये पिलर्ड होल हैं, और ये पूरा मॉस्क है। इसके वेस्टर्न साइड में ये नॉर्थ है, और इसके वेस्टर्न साइड में ये स्क्रीन ऑफ आर्चीज है। इसी के बीच में यहाँ पे एक देखने को मिलेगा, ये है आयरन पिलर। इसी कंपाउंड में वेस्टर्न साइड में ये आयरन पिलर है। आयरन पिलर एक्चुअली इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये जब उस टाइम का है जब यहाँ पर हिंदू टेम्पल्स हुआ करते थे, तो अशोका पीरियड के टाइम पे इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया आयरन पिलर को। इसकी जो इम्पोर्टेंस है या फिर इसका जो मेन फीचर है आयरन पिलर का, ये है कि आयरन का होने के बाद भी इसमें आज तक रस्ट नहीं हुई है, इसमें कोई रस्टिंग नहीं है, जंग नहीं लगी हुई है इसमें। तो इस चीज़ ये चीज़ को काफ़ी स्पेशल बनाती है। तो ये आयरन पिलर भी इसी मॉस्क के कंपाउंड में सिचुएटेड है। तो कुवैत उल इस्लाम के बाद ये मेन मेन बिल्डिंग है कुवैत उल इस्लाम, जो कि हमें स्टडी करनी है, क्योंकि सबसे पहली बिल्डिंग है जो कि इस्लाम में बनाई गई। इसके बाद में कुतुब मीनार कंस्ट्रक्ट करवाया। ये साइड में ये जो शेडो है ये कुतुब मीनार की, ये इसकी साइड में यहाँ का ही कुतुब मीनार है। तो कुवैत उल इस्लाम मॉस्क के बनाने के बाद कुतुब मीनार बनाया ईयर 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वो जब एज अ गवर्नर अपॉइंट हो चुका था उस एरिया का, तब वहाँ पे अपनी विक्ट्री में या फिर अपने खुशी में उसने वहाँ पे एक मीनार बनवाई, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भी काफ़ी इम्पोर्टेंट
इस्लामिक स्ट्रक्चर है उस टाइम का, ये कुतुब मीनार है। तो जो कुतुब मीनार की ओवरऑल हाइट है वो 73 मीटर है। जब कंस्ट्रक्ट करवाया था उसके कुछ टाइम बाद, क्योंकि यहाँ पे थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की वजह से कुछ पोर्शन जो अपर हाइट का है कुतुब मीनार का वो गिर गया, तो आज के टाइम में 71.5 मीटर की ही हाइट आज अवेलेबल है। लेकिन जब इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था तब इसकी हाइट 73 मीटर थी। कुतुब मीनार को 5 सेगमेंट में डिवाइड किया है, हर सेगमेंट डिफरेंट हाइट पर है। जैसे पहला सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट 29 मीटर की हाइट पर है, सेकंड सेगमेंट 44.4 मीटर की हाइट पर है, थर्ड सेगमेंट 56.8, और ये फोर्थ सेगमेंट 64.5, और फिफ्थ सेगमेंट जो कि 71.5 मीटर की हाइट पर आज है। लेकिन जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ था, जैसे मैंने बोला, ये 73 मीटर की हाइट पर कंस्ट्रक्ट हुआ था पूरा स्ट्रक्चर, पूरा जो मीनार है वो 73 मीटर की हाइट पर है। इस मीनार के टॉप पॉइंट पर, टॉप फ्लोर पर जाने के लिए इसमें एक स्पाइरल स्टेयरकेस बनाई गई है जो ओवरऑल 360 स्टेप्स पर है। पूरे जो स्टेयरकेस हैं उसमें 360 स्टेप्स हैं और वो स्पाइरल है, मतलब कि इस टाइप से पूरे एंड तक ये स्टेयरकेस उसमें कंस्ट्रक्ट की गई है। और जो कुतुब मीनार का बेस है, इस बेस का डायमीटर है 47 फीट और जो उसका टॉप का डायमीटर है वो है 9 फीट। ये साइड में इनके मीटर में भी मेजरमेंट्स लिखी हैं और फीट में भी मेजरमेंट्स लिखी हैं, जो जैसा कन्वीनियंट हो एग्ज़ाम के टाइम पे उसको वैसा लिख के आ सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि मीटर में थोड़ा सा पॉइंट्स में है, डेसिमल्स में है, तो याद करना इतना ईजी नहीं पड़े शायद, तो इसलिए फीट में है। तो नीचे का जो डायमेंशन है वो 47 फीट है और ऊपर का जो डायमेंशन है वो 9 फीट है, इसकी विर्थ डायमीटर टॉप और बॉटम में। इसके बाद जो इसके प्लान्स हैं, हर सेक्शन यानी कि हर सेगमेंट का इसका प्लान अलग है कुतुब मीनार में। जो पहला सेगमेंट है उसका प्लान रहेगा अल्टरनेट वेजेस शेप्स एंड राउंड। अल्टरनेट वेजेस शेप्स एंड राउंड का क्या मतलब हुआ, ये पहला, ये यहाँ तक ये पहली स्टोरी है कुतुब मीनार की। तो इसमें अल्टरनेट है, पहला जो ये वो राउंड है, फिर इसमें एक वेजेस हैं, फिर राउंड है, फिर वेजेस हैं, तो मतलब एक अल्टरनेट पैटर्न पर कंस्ट्रक्टेड है कुतुब मीनार। तो इसका फर्स्ट फ्लोर में यानी कि जितनी फर्स्ट सेगमेंट में जिसका प्लान है वो अल्टरनेट वेजेस में है। सेकंड स्टोरी में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी भी स्टोरी में जितना भी प्लान रहेगा वो है सर्कुलर प्रोजेक्शन, यानी कि उसमें ये वेजेस नहीं है, सिर्फ सर्कुलर हैं, ये सर्कुलर सर्कुलर कुछ इस टाइप से प्लान वहाँ पर है। ये रफ आइडिया है, कुछ इस टाइप से सेकंड फ्लोर में है। थर्ड फ्लोर में स्टार है, स्टार यानी कि सर्कुलर नहीं है, सिर्फ वेजेस हैं, स्टार में इस टाइप से ये थर्ड फ्लोर में बनेगा। फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर में राउंड है, यानी कि उसमें कोई भी एस टाइप की प्रोजेक्शन नहीं है, वो सिर्फ कंप्लीट राउंड है। जैसे कि ये फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर में, ये फर्स्ट फ्लोर का है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में राउंड है। तो इस टाइप के इनके प्लान्स हैं। ये एग्जैक्टली कितनी हाइट है फर्स्ट सेगमेंट की, सेकंड सेगमेंट की और थर्ड सेगमेंट की, ये थोड़ा डिटेल्ड प्लान है कि इसमें राउंड और वेजेस फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में सिर्फ राउंड्स हैं, थर्ड फ्लोर में ओनली वेजेस हैं तो इसको स्टार शेप है, फिफ्थ और सिक्स्थ में पूरे राउंड हैं। ये मतलब ये डिटेल्ड प्लान, मतलब फर्स्ट फ्लोर का, ये इसमें ये वेज है, फिर राउंड है, फिर वेज है, फिर राउंड है, ये फर्स्ट फ्लोर के लिए है, फर्स्ट सेगमेंट का जितना सेक्शन है। उसके बाद ये एक स्पाइरल स्टेयरकेस है जो कि कुतुब मीनार के अंदर ही है और वो 360 स्टेप्स में बनी हुई है स्टेयरकेस और ये पूरे टॉप तक जाती है। इसको 360 ऐसे भी याद कर सकते हैं, 360 पूरे डिग्री होते हैं एक सर्कल में, तो 360 वहाँ से याद रहेगा।
कुतुब मीनार में बीच बीच में एक छोटे छोटे होल्स भी हैं, क्योंकि बाद में इसको वॉच टावर के तौर पे भी यूज़ कर किया जाने लगा। तो बीच में ये एक छोटे छोटे से होल्स हैं जिसमें देख सकते हैं, बहुत लार्ज एरिया व्यू एंगल मिल जाता है इसमें। तो देख सकते हैं कि कोई आर्मी या फिर क्या कोई सिटी पे क्या हलचल है, कोई अगर अटैक कर रहा है तो काफ़ी, ये उस टाइम बहुत हाइट पे था ये, तो काफ़ी दूर का इसमें से व्यू मिल जाता था। तो पता चल जाया करता था कि सिटी पर कौन अटैक कर रहा है, या फिर सिटी के जितना भी व्यू है वो देख सकते थे इस वॉच होल से। इसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो है इल्तुतमिश टॉम्ब। इल्तुतमिश भी स्लेव डायनेस्टी में एक किंग थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट किंग रहे। तो इनका एक टॉम्ब है, तो इनका टॉम्ब भी आर्किटेक्चरल पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टडी करने के लिए। इस टॉम्ब की खास बात यह है कि इस टॉम्ब के ऊपर जो डोम है वो डोम कंस्ट्रक्ट किया था, लेकिन बाद में वो टूट गया। तो क्या है, इट वॉज द फर्स्ट इस्लामिक टॉम्ब इन इंडिया। ये पहला इस्लामिक टॉम्ब है जो कि इंडियन सॉइल पर कंस्ट्रक्ट हुआ। ये नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। नॉर्थ वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स कौन सा, मैं बताऊं, ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है। और ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे, ये है इल्तुतमिश टॉम्ब। इसके ऊपर का डोम नहीं है, जैसे इन सभी स्ट्रक्चर पर डोम देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई डोम नहीं है। तो इसका डोम कंस्ट्रक्ट हुआ था लेकिन बाद में टूट गया। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर पे है, ये नॉर्थ इस तरफ है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, इस डायरेक्शन में वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये कंस्ट्रक्टेड है। अगर ये पूरा स्ट्रक्चर क्यूबिक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्यूबिक है, यानी कि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम डायमेंशंस की है। ये प्लान में क्यूब है लेकिन इसके ऊपर एक सर्कुलर डोम कंस्ट्रक्ट किया था। सर्कुलर डोम को कंस्ट्रक्ट करने की क्या टेक्निक थी, ये जो प्लान है ये स्क्वायर में प्लान है। स्क्वायर में प्लान करने के बाद कॉर्नर्स को इन्होंने क्विंच किया और हर साइड से दो नई साइड कंस्ट्रक्ट करी। तो चार साइडेड स्क्वायर से एट साइडेड पॉलीगन यानी कि ऑक्टाहेड्रल, फिर एट साइडेड को फिर दोबारा इन्होंने हर साइड को क्विंच किया, टू में डिवाइड किया, और फिर 16 साइडेड बना। 16 साइडेड से 32 साइडेड तक इन्होंने एक पॉलीगन कंस्ट्रक्ट किया, और फिर वो एक कंप्लीट सर्कुलर शेप में दिखने लगा। तब इसके ऊपर इन्होंने डोम कंस्ट्रक्ट किया, जैसे कि यहाँ पर ये विजिबल है कि हर साइड को ये डिवाइड कर रहे हैं और इसके ऊपर डोम को कंस्ट्रक्ट किया इस डोम पर। हालांकि वो डोम फिर रुका नहीं, कुछ टाइम बाद वो डोम पर जो डोम था वो टूट के गिर गया। इन्होंने एक आर्चिस डेवलप करी अक्रॉस द 90 डिग्री कॉर्नर्स ऑफ द वॉल। ये दोनों वॉल्स के बीच में एक 90 डिग्री का कॉर्नर है। तो इन्होंने यहाँ पर क्विंच करते टाइम जब दोनों साइड को मर्ज कर रहे थे, तो यहाँ पे इन्होंने आर्चिस डेवलप करी। ये इस टाइप की आर्चिस है, ये 90 डिग्री की एक वॉल है, एक 90 डिग्री की एक ये वॉल है, दोनों वॉल के बीच के कॉर्नर पर ये एक आर्चिस इन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी। तो ये चारों कॉर्नर्स पे ये देखने को मिलता है। और जो कि मैं पहले बता रहा था कि जितने भी इस्लामिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें दो चीज़ बहुत मेन कॉमन देखने को मिलेगी ज़्यादातर, वो रेड सैंडस्टोन और इस्लामिक कैलीग्राफी। तो इस पे बहुत डिटेल्ड इस्लामिक कैलीग्राफीज इंस्क्रिप्टेड है इसी स्ट्रक्चर के अंदर, और मार्बल पैनल्स का इन्होंने यूज़ किया है। ये रेड सैंडस्टोन के बाद जो पैनल्स लगाए हैं आर्चिज में, ये मार्बल के यूज़ किए गए हैं, और ये जो टॉम है ये भी खुद मार्बल का यहाँ पे बनाया हुआ है। जो इसमें देखना, स्क्वायर बेस ऑफ 9 मीटर डायमीटर ऑफ डोम कोलैप्स्ड लॉन्ग अगो। जो डोम का जो डायमीटर है वो रहा 9 मीटर और बाद में वो कोलैप्स कर गया उस टाइम, क्योंकि पहला इस्लामिक टॉम था तो टेक्नोलॉजी जो टेक्निक्स इतनी वो डेवलप नहीं कर पाए थे, तो जिस वजह से मिस कैलकुलेशन या फिर कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं रह पाया और बाद में वो कोलैप्स कर गया पूरा डोम। तो इस वजह से इल्तुतमिश टॉम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टडी करने के लिए।
एज अ इस्लामिक स्ट्रक्चर। ये वो प्लान है कि कैसे इल्तुतमिश टॉम का डोम ऊपर बिल्ड किया था। ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है। कुतुब कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले ये कुवैत उस्लाम मॉस्क पहला, दूसरा ये आयरन पिलर। आयरन पिलर इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये हिंदू स्ट्रक्चर, जब यहाँ पे हिंदू टेंपल थे तब कंस्ट्रक्ट किया गया था। थर्ड कुतुब मीनार। तो सबसे पहले मॉस्क कंस्ट्रक्ट हुआ, फिर कुतुब मीनार कंस्ट्रक्ट हुआ, फिर इल्तुतमिश टॉम। तो ये तीन जो स्ट्रक्चर हैं ये स्लेव डायनेस्टी में कंस्ट्रक्ट हुए। इसके बाद में अलाई मीनार और अलाई दरवाज़ा, ये खिलजी डायनेस्टी में कंस्ट्रक्ट हुए थे। तो कैसे, तो सेकंड नंबर पे हमारी डायनेस्टी आती है खिलजी डायनेस्टी। ये 1290 से लेकर 1413 तक ये डायनेस्टी रही थी, और इन्होंने भी कुछ इस डायनेस्टी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हुए थे। तो स्लेव डायनेस्टी का जनरल था जनरल बलवान, वो हार चुका था खिलजी से, तो वो 1287 में डेथ हो गई थी उसकी। उसके बाद 1219 में फिरोज जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर रूल किया 6 साल के लिए। उसके बाद दिल्ली पर रूल किया अलाउद्दीन खिलजी ने। ये अलाउद्दीन खिलजी बहुत मेन इम्पोर्टेंट रूलर है खिलजी डायनेस्टी का। इसी ने ही काफ़ी कंस्ट्रक्शन करवाए थे कुतुब कॉम्प्लेक्स में। तो इसने सबसे पहले क्या किया, जो कुवैत उल इस्लाम मॉस्क है उसको एक्सपेंड करवाया ओवर द 6 टाइम। जो कुवैत उल इस्लाम जो कि स्लेव डायनेस्टी में जो बना था उसको 6 गुना बड़ा करवा दिया इसने अपने टाइम पीरियड में, और वहाँ पर अलाई दरवाज़ा और एक अलाई मीनार भी कंस्ट्रक्ट करवाई थी। इसने एक नई सिटी डेवलप करी थी होस खास और सीरी सिटी। हर डायनेस्टी में एक नई सिटी का डेवलपमेंट किया था हर एक नए डायनेस्टीज़ में आकर, नए नए जितने भी रूलर आए थे अलग डायनेस्टी के, उन्होंने एक अपनी सिटी डेवलप करवाई थी। उस जितनी भी सिटीज़ दिल्ली में डेवलप हैं, करीब 5-6 सिटीज़ हैं जो कि इस टाइम पर डेवलप हुई थी डायनेस्टीज़ में, प्री मुगल और मुगल पीरियड के टाइम पे भी। उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिटीज़ में क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस या फिर क्या क्या उनकी स्पेसिफिकेशंस थी उन सिटीज़ के बारे में, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगी। लेकिन अभी जो क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर अटैक किया और होस खास विलेज का वहाँ पर उसने नया फॉर्म किया और नई सिटी डेवलप करी सीरी। इसके बाद क्या किया उसने, फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द कुतुब कॉम्प्लेक्स, उसने जो कुतुब कॉम्प्लेक्स स्लेव डायनेस्टी में कंस्ट्रक्ट हुआ था उसको एक्सटेंड करवाया। तो खिलजी ने इनलार्ज करवाया कुवैत उस्लाम मॉस्क को 6 टाइम, जैसा पहले था उसको 6 गुना बड़ा करवा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और नॉर्दर्न साइड में फाउंडेशन रखी अलाई मीनार की। ये नॉर्दर्न साइड में अलाई मीनार, इसको फाउंडेशन रखा। इसका प्लान ये था अलाई मीनार का कि जो कि स्लेव डायनेस्टी में कुतुब मीनार कंस्ट्रक्ट करवाया था उसकी डबल हाइट का एक और यहाँ पे मीनार रहेगा अलाई मीनार। हालांकि बाद में ये कंस्ट्रक्ट हो नहीं पाया, इसका पहला फ्लोर जो है इसका पहले सेगमेंट का ही काम कंप्लीट हो पाया, इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं पाई फाउंडेशन के बाद, तो ये अभी भी इनकम्प्लीट है। लेकिन इसका मेन जो प्लान था, मोटिव ये था इसको डबल हाइट का कंस्ट्रक्ट करवाना कुतुब मीनार से। पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स में 6 गेटवे इंस्टॉल करवाने का उसका प्लान था, जिसमें से अलाई दरवाज़ा ही कंप्लीट हो पाया, और वो आज भी है। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है मैं बता देता हूँ, ये पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स है। ये इसका प्लान था कि 2 इस तरफ से गेट, 2 इस तरफ से गेट, 1 इस तरफ से गेट और 1 नॉर्दर्न साइड से गेट। तो मतलब टोटल कुतुब कॉम्प्लेक्स में 6 गेट कंस्ट्रक्ट करवाने का इसका प्लान था। तो जो सबसे पहला इसका गेट बनाया वो ये साउथ साइड में जो गेट था अलाई दरवाज़ा, यही एक मतलब इकलौता यही कंस्ट्रक्ट हो पाया, और आज भी इकलौता यही गेट सर्वाइवल है आज के टाइम में। अभी तक के जितने भी मैसनरी हो रही थी वो रबल मैसनरी हो रही थी, उसमें जो बड़े बड़े रॉक्स हैं उसको लेकर उसकी वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा गया कि हेडर एंड स्ट्रेचर कोर्सेज की मैसनरी यूज़ करी गई है यहाँ पर।
तो सबसे पहले अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा वो उसके कंपाउंड के, कुतुब कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड के एंट्रेंस गेट में, 6 एंट्रेंस गेट में पहला और इकलौता एंट्रेंस गेट आज के टाइम में। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट गेट इन दिल्ली। ऑब्वियसली बात है कि ये सबसे पहले कंस्ट्रक्ट हुआ था और आज भी है, तो ये ओल्डेस्ट है। और ये साउदर्न एंट्रेंस है, ये सदर्न एंट्रेंस है कुतुब कॉम्प्लेक्स की। इट इज़ अ सिंगल स्टोरीड बिल्डिंग। ये एक्चुअल में एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन बाहर से अगर इसको विजुअलाइजली देखा जाए तो ये टू स्टोरी बिल्डिंग दिखती है, लेकिन इसका जो रूफ है एक ही रूफ है। तो कंप्लीट एक हॉल टाइप का एक चैम्बर हॉल है ये, जो कि सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। ये एंट्रेंस प्रोवाइड करता है कुवैत उल इस्लाम मॉस्क के लिए। तो इट वॉज द फर्स्ट मोन्यूमेंट बिल्ड विद इस्लामिक मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला ऐसा मोन्यूमेंट रहा जो कि प्रॉपर इस्लामिक मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन से इसको बिल्ड किया गया। एक सिंगल हॉल है जिसकी जिसका मेजरमेंट है लेंथ में 34.5 फीट और इसकी ब्रेथ है 56.5 फीट, और ये एक 60 फीट हाइट है इसकी। और जो इसकी वॉल है वो है 11 फीट थिक। तो काफ़ी मोटी इसकी वॉल थी इस पूरे स्ट्रक्चर की। फिर वही एक कॉमन रिपीट चीज़ कि रेड सैंडस्टोन्स का कंस्ट्रक्शन है और इसमें वाइट मार्बल भी है। ये स्ट्रक्चर है अलाई दरवाजा, ये पूरा स्ट्रक्चर है। काफ़ी इसकी मोटी, ये देखो इसकी 11 फीट मोटी, बहुत काफ़ी मोटी इसकी वॉल है। ये पूरा स्ट्रक्चर टॉप से बॉटम तक ये 60 फीट का स्ट्रक्चर है हाइट में, जिसपे एक मेन सिग्निफिकेंस है इस पूरे स्ट्रक्चर का, इसकी हॉर्स शू आर्च। इसमें एक आर्च का यूज़ किया गया हॉर्स शू आर्च में, और इसमें जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया है मटेरियल वो रेड सैंडस्टोन और मार्बल इसमें मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। इसके बाद पूरे हॉल को लाइटिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक जाली यूज़ की गई है। जाली भी एक इम्पॉर्टेंट इस्लामिक फीचर है। जितने भी इस्लामिक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं उसमें दो तीन चीज़ें जो बहुत कॉमन हैं, उसमें रेड सैंडस्टोन, आर्चेस, इस्लामिक कैलीग्राफी, डोम्स, इसके बाद जालीज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर हैं इस्लामिक स्ट्रक्चर्स में। तो इसमें स्टार और हेक्सागोनल जाली का यूज़ किया गया है एट द लोअर स्टोरी ग्रेट कॉम्प्लेक्स पैटर्न। यानी कि ये जो लोअर स्टोरीज हैं ओवरली पूरी है तो एक कंप्लीट एक सिंगल स्टोरी, लेकिन विजुअली देखा जाए तो ये दो स्टोरी दिखती हैं, क्योंकि यहाँ से डिवीज़न है तो ऐसा लगता है कि ये पहली स्टोरी है और ये ग्राउंड वाली स्टोरी है, मतलब दो स्टोरीज हैं, लेकिन ये ओवरऑल सिंगल स्टोरी है। इसके बीच में कोई पार्टीशन या कोई स्लैब नहीं है। तो जो लोअर स्टोरीज पर जितने भी ये वेंटिलेशन के लिए यूज़ किए गए विंडोज़, उसमें हेक्सागोनल और स्टार जालीज का यूज़ किया गया है। तो जाली एक सेंसिबल आर्किटेक्चरल डिवाइस है, इसमें है जाली एक सेंसिबल आर्किटेक्चरल डिवाइस है जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि उसमें कितनी लाइट प्रोवाइड करनी है, कितना विजिबिलिटी उसमें देना है उसमें। तो ये इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जाली एक बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक इस्लामिक फीचर है बिल्डिंग्स में। अलाई दरवाजा के बाद जो एक और इम्पोर्टेंट इस्लामिक स्ट्रक्चर है कुतुब कॉम्प्लेक्स में, वो है अलाई मीनार। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अलाई मीनार एक इनकम्प्लीट टावर है। ये आज के टाइम में ऐसा टावर है और ये इसकी फर्स्ट सेगमेंट, ये पूरा एक फर्स्ट सेगमेंट है जो कि 2.5 मीटर की हाइट तक आज ये कंस्ट्रक्टेड है। इसके ऊपर प्लान था इनका ट्वाइस करना पूरी हाइट का, कुतुब मीनार की हाइट का ट्वाइस करना, लेकिन 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई तो इसके बाद इसका जो काम था, इसका कंस्ट्रक्शन जो वर्क था वो एकदम रुक गया। उसके बाद किसी भी रूलर ने आके इसको कंस्ट्रक्शन इसका कंटिन्यू नहीं करवाया, और तब से आज तक ऐसा इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। तो ये भी एक अलाई मीनार भी वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बाद में तुगलक डायनेस्टी यहाँ पे रूल किया। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1413 तक यहाँ पे रूल किया दिल्ली पर तुगलक डायनेस्टीज ने। अलाउद्दीन खिलजी को मारने के बाद या उसकी डेथ के बाद गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली का थ्रोन संभाला। जो दिल्ली का ताज था वो गियासुद्दीन तुगलक ने
संभाला और उसने इस्टेब्लिश किया एक नई डायनेस्टी दिल्ली में, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी वो तुगलक डायनेस्टी है। जैसी तुगलक डायनेस्टी उसने इस्टेब्लिश करी तो उसने एक नई सिटी डेवलप करी। हर रूलर अपने टाइम पीरियड में आके, अपनी डायनेस्टी में आके एक नई सिटी का कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। वो इस बार इसने सिटी करवाई तुगलकाबाद। तुगलकाबाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, हम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। इसको कंस्ट्रक्शन में, इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स ये रही थी, तो जो सिटी है वो स्टोन मैसनरी पर कंस्ट्रक्टेड है। पूरी सिटी में जो आउटर साइड में एक मैसिव रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल क्या है कि एक उसको साइड में एक सपोर्ट किया है, आउटर जो वॉल है वो रिटेनिंग वॉल है और उसको एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत मैसिव रिटेनिंग वॉल है उसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। और वो पूरी रिटेनिंग वॉल एक टिल्ट है 75 डिग्री एंगल पर। यह है तुगलकाबाद की रिटेनिंग वॉल्स, जो कि काफ़ी ये काफ़ी थिकनेस है इन वॉल्स की, और ये एक एंगल पर, ये एक एंगल है तो ये 75 डिग्री का एंगल ये कंस्ट्रक्ट, ये ज़मीन से 75 डिग्री एंगल बनाती है। ये जो पूरा तुगलकाबाद सिटी का फोर्ट है ये एक हिली एरिया पे है, तो जो इसका कंटूर है वो प्लेन नहीं है, तो जो वॉल्स है वो कंटूर पर है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो एक यूनिफॉर्म ग्राउंड नहीं है, प्लेन ग्राउंड नहीं है, तो इसको कंटूर ग्राउंड है, कंटूर लेवल ग्राउंड है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये टिल्टेड वॉल्स का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था वहाँ पर। सेकंड जो इम्पोर्टेंट इसमें एक मॉन्यूमेंट देखने को मिलता है वो है गियासुद्दीन तुगलक के टॉम्ब। गियासुद्दीन तुगलक टॉम्ब एक थोड़ा अजीब टाइप का टॉम्ब है, जो कि एक पेंटागोनल फोर्टी एरिया में कवर्ड बनाया गया है, तो ये पेंटागोनल एरिया के को कवर्ड करके इसके बीच में गियासुद्दीन तुगलक की टॉम्ब को कंस्ट्रक्ट किया गया। ये 1325 में कंस्ट्रक्ट करवाया गया था विद एन अनयूजुअल इरेगुलर पेंटागोनल फोर्टिफाइड एनक्लोजर। ये कोई रेगुलर पेंटागन नहीं है बल्कि इरेगुलर पेंटागन को फोर्टिफाइड करके उसके बीच में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया। इसके कंस्ट्रक्शन में ये जो वॉल्स हैं ये 75 डिग्री पर टिल्टेड है इनवर्ड्स, तो ये भी 75 डिग्री पर अंदर की तरफ टिल्ट है, रेड सैंडस्टोन का कंस्ट्रक्शन है और ये ऊपर वाइट मार्बल का डोम इसमें कंस्ट्रक्टेड है। तो ये 75 डिग्री पे वॉल पर टिल्टेड है, 1325 में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल इसमें यूज़ किया गया है, जो डोम है वो वाइट मार्बल का है। जो पूरा टॉम्ब है वो स्क्वायर इन प्लान है और पेंटागनल इनक्लोजर से ये कवर्ड है पूरा पेंटागनल से। इसमें एक और इम्पोर्टेंट एक फीचर देखने को मिलता है, जैसे हिंदू आर्किटेक्चर में ऊपर जो एक कलश टाइप का जो स्ट्रक्चर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट रहता है, तो इनके इसके डोम के ऊपर भी यहाँ पर एक कलश टाइप का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है। एक और जो सेकंड इम्पोर्टेंट या फिरोज शाह तुगलक का टॉम है, ये भी बहुत एक सिंपल आर्किटेक्चरल बेस है, यहाँ पर भी वाइट मार्बल का कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया गया है, थोड़ा सा इरेगुलर पैटर्न है, ऊपर इसकी टॉम है, ऊपर इसका डोम है इसमें फिरोज शाह तुगलक में, तो ये भी एक मोन्यूमेंट है, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद सैयद डायनेस्टी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही थी क्योंकि बहुत ही कम टाइम पीरियड में तक रही थी, तो उसमें ज़्यादा कुछ खास ऐसा कंस्ट्रक्शन या फिर मोन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाए थे सैयद डायनेस्टी में, तो इसीलिए सैयद डायनेस्टी में ऐसा कोई इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट नहीं है जो हम इसको स्टडी कर सकें। लेकिन उसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज है क्योंकि इसमें दो चार ऐसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए, उसके बारे में स्टडी करनी चाहिए। तो लोधी डायनेस्टी एक पश्तून डायनेस्टी थी जो कि लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली के सल्तनत डायनेस्टीज में। लोधी डायनेस्टी के बाद ही मुगल डायनेस्टी आई थी, तो जो लोधी डायनेस्टी का जो आखिरी जो रूलर था वो इब्राहिम लोधी था और बाबर ने उसे
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट कर दिया था, हरा दिया था बैटल ऑफ पानीपत में। तो डायनेस्टी जो बनाई थी वो बहलोल लोधी ने स्टार्ट किया था डायनेस्टी को, और दिल्ली से लेके जौनपुर, इटावा, ग्वालियर या मेवाड़ तक इनकी टेरिटरी इन्होंने कंकर कर ली थी। तो जो लोधी डायनेस्टी है वो 75 ईयर तक रही थी, और सैयद डायनेस्टी से लोधी डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा बेटर गवर्नेंस थी उसके अंदर। तो सैयद डायनेस्टी इतना ज़्यादा सर्वाइवल नहीं करवा पाई। तो लोधी डायनेस्टी के टाइम पे जो आर्किटेक्चरल फीचर्स जो रहे थे वो ये थे कि इनके टाइम में जो क्वालिटी ऑफ वर्क था वो काफ़ी इंप्रूव हो चुका था, और आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। हालांकि इनके पास लिमिटेड सोर्सेज थे, इनके पास जो ट्रेजरी थी वो ज़्यादा बड़ी ट्रेजरी नहीं थी, तो इन्होंने कुछ ऐसा कुछ लार्ज मोन्यूमेंटल या बिल्डिंग स्केल नहीं, कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंस्ट्रक्ट नहीं करवाया। तो इन्होंने सिर्फ छोटे छोटे, इनके टाइम पीरियड में छोटे से टॉम हमें देखने को मिलते हैं जो इनके टाइम में बने थे। इन्होंने एक यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल थी इनकी, जो तुगलक डायनेस्टी थी और टर्किश डायनेस्टी थी उन दोनों को मिक्स करके एक नया फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप किया। तो तुगलक और टर्किश स्टाइल को मिक्स करके इनकी बिल्डिंग्स थी, तो बिल्डिंग में आर्चिस भी थी और बीम्स भी थी, तो दोनों ही इन्होंने यूज़ किया गया। लोधी डायनेस्टी को एज अ पीरियड ऑफ मकबरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मकबरे कंस्ट्रक्ट हुए। तो कुछ इनके फेमस जो बिल्डिंग्स हैं वो शीश गुंबद, बड़ा गुंबद, पौली का गुंबद, दादी का गुंबद। तो सैयद और लोधी के टाइम पीरियड में जो टॉम कंस्ट्रक्ट हुए थे उनमें एक दो डिफरेंट टाइप के पैटर्न देखने को मिले थे। तो सबसे पहले पैटर्न ये था कि जो टॉम का जो बेस है वो ऑक्टागोनल प्लान हो और उसको सराउंड किया जाए एक वॉकवे से, और उस वॉकवे में एंट्रेंस हो, कुछ आर्चेस से लेकर एंट्रेंसेस हो। तो और पूरा जो प्लान, जो पूरी बिल्डिंग हो वो एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग हो। तो ये था पहला कंस्ट्रक्शन स्टाइल था कि ऑक्टागोनल प्लान हो, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग हो, उसके बाद में साइड में सराउंडेड आर्चेस वॉकवे हो। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक थी वो स्क्वायर प्लान पे था, जो टॉम का जो प्लान है वो स्क्वायर हो और मल्टी स्टोरी हो, यानी कि दो या तीन स्टोरी का वो पूरा प्लान हो और उसके बाहर कोई वॉकवे ना हो। तो ये दो तरह के जो टॉम के कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स वहाँ पर डेवलप हुए सैयद और लोधी के टाइम पीरियड में। तो इनकी बिल्डिंग्स में डोम थे जो कि पिलर और ऑक्टागोनल स्क्वायर प्लान से सपोर्टेड थे। इन्होंने कुछ एक नई इस्लामिक आर्किटेक्चर यूज़ करी जो कि बाद में मुगल्स ने भी जाके फॉलो करी। इनके आर्किटेक्चरल जो टेक्निक इन्होंने जो यूज़ करी, इसमें एक ऑक्टागोनल फेस में तीन आर्चेस ओपनिंग रहे थे जो कि पिलर से डिवाइडेड रहे हैं। इसकी एक इमेज दिखा देता हूँ मैं। हाँ, ये सिकंदर लोधी का टॉम्ब है, ये एक ऑक्टागोनल इसका प्लान है और एक हर एक साइड पर तीन आर्चेस देखने को मिलेंगी, और हर आर्चेस ये एक पिलर्स पर सपोर्टेड है और यही पिलर इन तीनों आर्चेस को सेपरेट कर रहा है। तो ये इस टाइप की टेक्निक लोधी डायनेस्टीज में देखने को मिली थी। तो ये एक डिफरेंसेस था कि जो ऑक्टागोनल टॉम थे वो रूलर के लिए रिजर्व था, और जो स्क्वायर टॉम थे वो नोबल ऑफ देयर कोर्ट, जो उनके कोर्ट्स में कुछ अच्छे लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा नोबल मानते थे वो लोग, या बहुत कोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, उनकी डेथ के बाद जो उनके टॉम कंस्ट्रक्ट हुए वो स्क्वायर प्लान पे कंस्ट्रक्ट हुए, और जो रूलर थे लोधी डायनेस्टीज में उनके जो टॉम कंस्ट्रक्ट हुए वो ऑक्टागोनल प्लान पे कंस्ट्रक्ट हुए। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, ये दो तरह के टॉम कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था और दोनों अलग अलग लोगों के लिए टॉम कंस्ट्रक्ट हुए। ये एक लोधी गार्डन है दिल्ली में, आज भी है, 90 एकड़ में लोधी गार्डन है। इस लोधी गार्डन में सिकंदर लोधी का टॉम, मोहम्मद शाह का टॉम, शीश गुंबद और बड़ा गुंबद जैसे ये स्ट्रक्चर्स हैं। इसी के साइड में एक सफदरगंज टॉम है जो कि इसके वेस्ट डायरेक्शन में है।
ये सफदरगंज टॉम्ब लोधी के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सफदरगंज टॉम्ब है, तो ये लोधी गार्डन है, इसी में दो तीन बहुत मेन मेन मोन्यूमेंट का सिचुएटेड है। तो सिकंदर लोधी के टॉम्ब की बात करें तो कि ये एक रूलर का टॉम्ब था, तो ये ऑक्टोगोनल प्लान में था, हर एक साइड में ये बीच में, जैसे कि ये बीच में एक टॉम्ब है तो इसके सराउंडेड में जो पूरा प्लान है वो एक ऑक्टागोनल शेप में था इस टाइप से। तो और इसी ऑक्टागोनल प्लान के साइड में वॉकवेज हैं, ऑक्टागोनल वॉकवेज हैं, हर एक साइड में तीन आर्चीज हैं, हर एक आर्चीज सपोर्टेड है और डिवाइडेड है पिलर पर। ये तो एक बेसिक सी हर एक लोधी डायनेस्टी के अंदर स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। इन्होंने एक नई आर्किटेक्चरल स्टाइल को डेवलप किया जो कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल थी। आगे चल के जितने भी मुगल मुगल डायनेस्टीज में स्ट्रक्चर्स जो डेवलप हुए, कंस्ट्रक्ट हुए, वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे बेस हुए। तो ऑक्टोगोनल डिज़ाइन पर है, इनक्लोज्ड है विद फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर कंस्ट्रक्टेड है। इसके ऊपर जो डेकोरेशन के लिए ब्लू टाइल्स है, ब्लू टाइल्स भी उस टाइम पर लगाई गई थी, लेकिन अब टाइम के बाद यहाँ पे ये उखड़ गई सारी टाइलें और अब नहीं है यहाँ पर टाइलें। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के इन्होंने यहाँ पे बहुत ही कलरफुल टाइलें वहाँ पे उस टाइम पर यूज़ करी थी इनके कंस्ट्रक्शन में। तो ये सिकंदर लोधी का इस टाइप से इसमें इतने आर्किटेक्चरल फीचर है, जो कि हमें जो याद रखने वो ये है कि ऑक्टागोनल प्लान था, हर साइड तीन आर्चेस से डिवाइडेड थी। उसके बाद एक और जो बहुत ज़्यादा मतलब मेन जो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है लोधी गार्डन में वो ये बड़ा गुम्बद। तो बड़ा गुम्बद 1490 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था लोधी डायनेस्टी में। तो ये सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड में, लोधी डायनेस्टी में सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट किया गया था, और ये माना गया है कि ये एक पहला इस्लामिक स्ट्रक्चर है जो कि फुल डोम पर कंस्ट्रक्टेड है। इससे पहले जितने भी स्ट्रक्चर थे उनके पास डोम तो था लेकिन वो फुल डोम कंस्ट्रक्शन नहीं थे। तो ये जो है पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फुल डोम स्ट्रक्चर है, इसके साइड में ये एक बड़ा गुम्बद है, क्योंकि इसका नाम भी बड़ा गुम्बद इसलिए रखा गया क्योंकि डोम यानी गुम्बद, ये पूरा कंस्ट्रक्शन इस पे गुम्बद यानी डोम पर ही ये कंस्ट्रक्टेड है पूरा। तो इसका नाम भी इसीलिए इसका बड़ा गुम्बद रखा गया। बड़ा गुम्बद के साइड में एक ये हॉलवेज है, ये है मेहमान खाना जो कि गेस्ट रूम था उस टाइम का, गेस्ट हाउस है पूरा, तो इसके साइड में ही मेहमान खाना है। बड़ा गुम्बद स्क्वायर टाइप कंस्ट्रक्शन है, इसका प्लान स्क्वायर है, ये एक प्लिंथ पर राइजेज है, ये यहाँ से ये प्लिंथ हमें देखने को मिल सकती है, ये प्लिंथ, तो ये एक प्लिंथ है जिसके ऊपर ये पूरा बड़ा गुम्बद का मोन्यूमेंट सिचुएटेड है। तो बड़ा गुम्बद की जो हाइट है वो 95 फीट है और 66 फीट लॉन्ग है और 66 फीट ही वाइड है, स्क्वायर है ये। और जो वॉल्स हैं वो 39 फीट टॉल हैं। ये भी एक सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई बीच में इस लेवल पे पार्टीशन नहीं है, लेकिन बाहर से अगर देखते हैं, अगर आउटरली देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये टू स्टोरी स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें हल्का सा हमें डिवीजन देखने को मिलता है, लेकिन एक्चुअली में ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। इसके बाद वही इसके मटेरियल जो रेड ग्रे और ब्लैक स्टोन इसमें यूज किए गए थे, और क्वार्ट्स और रेड सैंडस्टोन का भी इसमें इस यूज किया गया है। इसके बाद सेकंड एक स्ट्रक्चर है वो है ये शीश गुम्बद। अब शीश गुम्बद इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि जो इसमें ब्लू इनेमल टाइल यूज की गई थी, जो ब्लू टाइल है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करती हैं या फिर ऐसा इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे मिरर का यूज़ किया गया है। तो क्योंकि इसमें इनेमल टाइल यूज़ की गई थी इसीलिए ऐसा लगता था कि वहाँ पे इसमें ग्लास का यूज़ किया गया है, तो इसी इस वजह से इसका नाम शीश गुम्बद पड़ गया। तो ये 1487 से लेके 1517 के टाइम पीरियड में इस ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, और ये भी इसका प्लान भी स्क्वायर है इस पूरे गुम्बद का। और ब्लेंड ऑफ इस्लामिक एंड हिंदू आर्किटेक्चर,
इस्लामिक एंड हिंदू आर्किटेक्चर का ही इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के कम्बिनेशन पे ये स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया गया है, और ये ही एक आर्किटेक्चर टेक्निक है, बाद में आगे जाके मुगल डायनेस्टी में भी इसको यूज़ किया गया। इसमें भी सेम बड़ा गुम्बद जैसा आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं कि बाहर से अगर देखा जाए तो ये टू फ्लोर स्ट्रक्चर लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर है, और क्योंकि यहाँ पे एक हल्का सा पार्टीशन देखने को मिल सकता है, डिवीजन, इसकी वजह से लगता है टू फ्लोर स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में ये सिंगल स्टोर स्ट्रक्चर है। वेस्टर्न वॉल पर, इस स्ट्रक्चर के वेस्टर्न वॉल पर एक मेहरब कंस्ट्रक्टेड है जो कि एज अ मॉस्क का भी फीचर सर्व करता है। अब मेहरब क्या होता है, ये एक्चुअली कि ये भी एक इस्लामिक फीचर है, जितने भी इस्लामिक बिल्डिंग है उसमें भी एक इस्लामिक आर्किटेक्चरल फीचर्स है। तो इस्लामिक आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या क्या हैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो मैं जल्दी ही यहाँ पे डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें सारी चीज़ें मैं डिस्क्राइब करूँगा कि कौन कौन से इस्लामिक फीचर्स हैं, जो इस्लामिक आर्किटेक्चरल फीचर, कुछ मीनार्स हैं, डोम हैं, आर्चेज हैं, उसमें मिरर्स भी एक इस्लामिक फीचर है, उसको बाद में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे मिरर्स क्या है। तो अभी के लिए क्या है कि यहाँ पे वेस्टर्न वॉल में मिरर्स है, और मिरर्स में ही वहाँ पे ये प्रेयर करते हैं, प्रेयर हॉल इनके मॉस्क में मिरर्स होते हैं। तो ये वेस्टर्न साइड में है, जबकि मैं पहले बता चुका हूँ जो मोस्ट ऑफ़ दी बिल्डिंग्स में जितना भी एक इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है पूरी बिल्डिंग में, जहाँ पे इंपॉर्टेंटली वो एम्फिसाइज कर रहे हैं पूरी बिल्डिंग को, वो वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। तो वेस्टर्न साइड में एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ डेकोरेशन या फिर एक्स्ट्रा लेवल ऑफ मतलब एक्स्ट्रा बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा वहाँ पे वर्क किया गया है, जिससे पूरे स्ट्रक्चर में जो वेस्टर्न साइड है थोड़ा सा स्टैंड आउट करे। जो मेन चैम्बर है इस बिल्डिंग का वो 10 square meters है इसका एरिया उस बिल्डिंग का, और जो सीलिंग है वो प्लास्टर वर्क से डेकोरेट किया गया है, और उसमें कुरानिक इंस्क्रिप्शन भी ऐड करी गई है जितने प्लास्टर्स हैं। कुरानिक इंस्क्रिप्शन, अगेन ये एक और इस्लामिक फीचर है पूरी इस्लामिक बिल्डिंग्स का, क्योंकि उसमें कुरानिक जो इस्लाम के जो कुरान है अरबिक लैंग्वेज में, उसके कुछ लाइंस बिल्डिंग में इंस्क्रिप्ट किया करते थे। इसके बाद भी बहुत बढ़िया फ्लोरल डिज़ाइन, फ्लोर पे जो एकदम फ्लोरल पैटर्न है इनके फ्लोरिंग पे, वो देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग में ये गुम्बद को डेकोरेट किया गया था एक शाइनी ग्लास लाइक टाइल्स है, जो इनेमल ग्लास टाइल्स हैं वो ग्लास की तरह शाइन करती हैं, तो जिसकी वजह से इसका नाम शीश गुम्बद पड़ा। आज के टाइम में वो जो ब्लू टाइल्स हैं वो भी यहाँ पे टॉप में, ये जैसे कि ब्लू जितनी भी टाइल्स हैं ये अभी कुछ बच गई हैं, बाकी की सारी तो उखड़ गई, गिर गई टाइम के साथ साथ, तो ये अभी कुछ ब्लू टाइल्स यहाँ पर बची हुई है, तो ये इस वजह से इसका नाम शीश गुम्बद पड़ा। तो ये कुछ डायनेस्टीज थी जो दिल्ली में इन्होंने डायनेस्टी ने रूल किया, और उनके जो इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स थे जो उन्होंने वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाए मुगल के आने से पहले दिल्ली में, तो उन सभी के आर्किटेक्चरल फीचर्स को अभी हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसमें समझ में आया होगा कि हमने आर्किटेक्चरल फीचर्स में क्या क्या डिस्कस किया। थैंक यू।